प्यारे बच्चों, आज हम यूक्लिड डिवीजन लीमा पर आधारित दो अन्य क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, अर्थात किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वह या तो 3m फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 फॉर्म में होगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो हम आगे देख के प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमें चूंकि यूक्लिड डिवीजन लीमा का उपयोग करना है, पहले हम कोई संख्या ले लें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। हम यहां पे b को 3 ले रहे हैं, चूंकि यहां पे 3m 3m+1 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहां से b को एक क्ल्यू हमको मिल रहा है कि b को 3 लिया जा सकता है। और यदि ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ए इज इक्वल टू 3q+r, वेयर जहां q और r ये बिलोंग करेंगे जेड पॉजिटिव में एंड r इज 0 इज लेस देन r इज लेस देन, यहाँ डिवाइजर आपका b 3 है तो ये 3 से कम होगा। निश्चित तौर पे अब a की अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, a में r की वैल्यूज पुट करके देखें कि r विल बी, इससे देखें तो r या तो 0 के बराबर होगा और r विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और r इज इक्वल टू 2। इस रिलेशन से हमको r की तीन वैल्यूज मिल सकती हैं, तो हमें तीन नंबर मिल सकते हैं। ये तीन नंबर कौन कौन से होंगे? a इज इक्वल टू 3q होगा और a इज इक्वल टू 3q+1 होगा, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। या ये क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 3q+2 होगा। ये तो हमारी संख्याएं आ गई। अब हमें दिखाना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने लिया है कि a एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a हमारी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो इस रूप में होगी या इस रूप में होगी या फिर इस रूप में होगी। अब इस प्रश्न के अनुसार हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ये हो गई और इसके स्क्वायर जो होंगे उन्हें हमको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो हम एक एक करके लेके चलें कि अगर a इज इक्वल टू 3q हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या हम उसको इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो लेट नाउ इफ ए इज इक्वल टू 3q, यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर कैसा होगा, हमें स्क्वायर ही दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू
3q square, that will be equal to 9q square. क्या हम इस 9q square को 3 into 3q square नहीं लिख सकते? अब यह जो आएगा 3q square की जगह पर अगर हम m मान लें तो ये कैसा हो जाएगा? 3m फॉर्म में हो जाएगा, 3m टाइप में। तो हमको दिखाना था कि यदि हमारा a इज इक्वल टू 3q है, पॉजिटिव इंटीजर 3q के रूप में है, तो इसका जो वर्ग होगा वह 3m फॉर्म में लिख दिया गया, स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम दूसरी संख्या को ले लें, यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 फॉर्म में हो तो क्या होगा? इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लें तो क्या होगा? इसका स्क्वायर ले लीजिए, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब अगर हम यहाँ से इसको कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो ये कैसा बन जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और यह जो क्वांटिटी आई ब्रैकेट के अंदर, अगर हम इसको m ले लें तो आ जाएगा 3m प्लस 1। अर्थात यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर भी 3m प्लस 1 फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमें प्रूफ करना था कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का जो रूप होगा वह या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि इस वाले में तो इसका रूप कैसा आया, 3m आया, और यहाँ पे कैसा आ रहा, 3m प्लस 1 आ रहा। नेक्स्ट, अगर हम a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 ले लें, देन a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर ले लें, दैट विल गिव यू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको स्क्वायर करके देखिएगा तो जो स्क्वायर आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और यह बराबर किसके हैं? इसमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, सॉरी एक स्टेप अगर हम इसको और लिख दें, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लें, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस 1। यह जो वैल्यू आ रही है, अब ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? m प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटीज को अगर हम m लिख दें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3m प्लस 1। तो इस ढंग से हमने देखा कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा था उस पॉजिटिव इंटीजर के ये रूप आ सकते हैं यूक्लिड लीमा से, और जब हमने इनका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर को किया तो उसे हम 3m फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया तो इसको जब स्क्वायर किया तो इसे हम 3m प्लस 1 फॉर्म में लिख पाए।
और जब a इज इक्वल टू 3q+2 हमने लिया तो इसके स्क्वायर को हम भी 3m+1 फॉर्म में लिख पाए, अर्थात जितनी भी संख्याएं होंगी पॉजिटिव इंटीजर उनका जो स्क्वायर होगा या तो 3m फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 फॉर्म में होगा। तो बस इतना ही। नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है, दिखाई दे रहा है कम, इसको बाद में हम लोग करेंगे। थैंक यू। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को समझते हैं कि इस प्रश्न में दिया क्या है। इसमें कह रहा है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और इस पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब कर दिया जाए, घन ले लिया जाए, इसका घन लिया जाए तो यह जो क्यूब आएगा यह तो 9m फॉर्म में आएगा या 9m+1 फॉर्म में आएगा या 9m+8 फॉर्म में होगा। अब हमें इसी चीज को सिद्ध करने हैं। तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो इस पॉजिटिव इंटीजर को भी हम कई रूपों में लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर को 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में ले आना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस a को हम यूक्लिड डिवीजन लीमा की मदद से किस रूप में करें, जिससे यदि उन रूपों का हम क्यूब ले लें, घन ले लें, तो वह जो घन आए वो 9 से डिविजिबल हो जाए। जैसे हम कहें कि अगर a को हम 2q+r फॉर्म में लें तो क्या इसका घन करने पर 9m आने की संभावना है? निश्चित तौर पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 का हम घन करेंगे, क्यूब लेंगे, तो मैक्सिमम 8 क्यूब तक जाएगा, तो 8 तो 9 का मल्टीपल कभी हो नहीं सकता। अब हम इसको सोचें कि इस जो ये है पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3q फॉर्म में ले लें, 3q+r की फॉर्म में ले लें और इसका क्यूब करें, जब इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27q+something। अब निश्चित तौर पे हमको दिख रहा है यह जो क्यूब आएगा यह 9 यहाँ पे है, 9 के फॉर्म में लिखना है तो 9 से डिविजिबल हो सकता है, यानी इसको हम 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ देख करके किस रूप में हमको लिखना है, और चूंकि यह क्यूब को हमें इस रूप में लिखना है, इस वजह से हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम जो हमारा नंबर है एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस में रख दें, इस रूप में लिखें कि जिससे उसका घन करने पर जो घन हो वो 9m फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो आइए अब हम यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे और यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा करके हम देखेंगे कि क्या उसके घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, चूंकि यहां पे हमें वही लेना था
ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इसी का क्यूब करना है, क्यूब ऑफ, और यहां पे हम ले लें b इज इक्वल टू 3, तब हमें क्या मिल जाएगा, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा हम प्राप्त कर पाएंगे कि a इज इक्वल टू 3q+r, जहां q एंड r बिलोंग्स इन z प्लस, यानी ये q और r भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा 0 इज लेस देन r इज लेस देन, यहां पे 3 लिया गया है तो 3 से छोटा होना चाहिए, जो रिमाइंडर होता है ये वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, भाजक 3 है, यहां पे भाजक 3 से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, छोटा होगा, तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यदि यह इस रूप में है तो निश्चित तौर पे हम करेंगे क्या, अब यहां पे या तो r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, या r की वैल्यू आएगी 1, या r की वैल्यू आएगी 2। जब r की वैल्यू 0 होगी तो a का मान होगा, r की वैल्यू 0 रख दीजिए, 3q, और जब r का मान 1 होगा तो a की वैल्यू होगी 3q+1। नेक्स्ट r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू होगी 3q+2। अब ये तो हमारी संख्याएं आ गई, हमें करना क्या है कि इन संख्याओं के क्यूब को प्रूफ करना है, वो या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। अब एक एक को करके हम ले लें और इनके क्यूब को निकाल लें। यदि हम a इज इक्वल टू 3q ले लें, a इज इक्वल टू 3q अगर हम लेंगे तो a क्यूब विल बी इक्वल टू 27q³, 3 का घन ले लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और यहां पे क्यू है, क्यू का क्यूब कर देंगे तो क्यू का क्यूब आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं 9 × 3q³, और जैसे ही हमने यह लिखा अगर इस क्वांटिटी को हम m मान ले तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9m, अर्थात यदि a इज इक्वल टू 3q है तो इसके क्यूब को हम 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि इफ a इज इक्वल टू 3q+1, ये वाला, देन a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आप करना जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फार्मूला होता है। इसी से हम इसको एक्सपेंड कर दें, a की जगह पे 3q है तो 3q³ दैट विल बी 27q³ प्लस, यहां से 1 है तो 1q दैट विल बी, 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 3a² b, 3a² b का मतलब क्या आएगा, यहां से देखिए
27 ए स्क्वायर, 3 3 9, और उसमें 3 से और मल्टी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस, अब हमें करना है 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पे यह है, तो 3a दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 9 क्यू, और b स्क्वायर है 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1, तो दैट विल गिव यू 9 क्यू। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 27 q² + 27 q² + 9 q + 1। यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें, यहां से हम अगर 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q³ + 3q² + q + 1। इतने में से हमने 9 को कॉमन ले लिया और 1 प्लस। अब अगर इस अंदर वाले ब्रैकेट को हम m रिप्रेजेंट कर दें तो जो वैल्यू आ जाएगी, यह वैल्यू आएगी 9m + 1, अर्थात यदि हमारी संख्या a = 3q + 1 फॉर्म में है तो इसके क्यूब को हम 9m + 1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और यही पे यहाँ पे रिक्वायर्ड थी कि 9m + 1 फॉर्म में होगी। अब तीसरा नंबर है, यदि हम ले लें a = 3q + 2, then a³ = 3q + 2³, and that will give 27 q³ + 3 3 9 9 2 18 18 3 48। देखिए आप इस वाले स्टेप में आइए, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो 3q² दैट विल बी 9q² बी की जगह पे 2 है तो 9 2 18 b² q² और फिर उसमें 9 2 18 3 54 q² नेक्स्ट इस वाले स्टेप को अगर हम लिखें b² मीन्स 2 स्क्वायर दैट विल गिव यू 4 4 × 3 12 q 12 × 3 दैट विल बी 36 q + b³ यहाँ पे है 2 2 4 2 2 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 हम यहां से लेकर यहां तक से 9 को कॉमन ले लें, दैट विल गिव यू 3q² 6q² + 4q + 8। यदि यहां जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या लिखी गई है इसको हम m मान लें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9m + 8।
तो आपने देखा कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया ए, यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा करके इस पॉजिटिव इंटीजर को हमने इन रूपों में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी उनको या तो इस रूप में होंगी या इस रूप में होंगी या इस रूप में होंगी। अब एक एक रूप के क्यूब को हमने निकाला और उसको दिखाया कि जो क्यूब आ रहा है वो या तो 9m फॉर्म में आ रहा है या 9m प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है या फिर 9m प्लस 8 फॉर्म में आ रहा है। तो इस ढंग से हम यहाँ पे इस चीज को प्रूव कर पाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकार का सवाल आपसे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।